शासन की मंशा के अनुरूप विधानसभा सौरतगढ़ अंतर्गत विकास खंड नौगढ़ में आज गांव की समस्या गांव में समाधान के तहत दो ग्राम सभा शाहा और बेलवा में चौपाल का आयोजन किया, जिसमें गांव से संबंधित गांव की समस्या का निस्तारण गांव में करवा कर सरकार की मंशा को पूरा किया जा सके। इस चौपाल में मुख्य अतिथि विधानसभा सौरतगढ़ से अपना दल के विधायक विनय वर्मा मौजूद रहे, साथ ही नौगढ़ विकास खंड के खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार पांडे और अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। चौपाल में दोनों ग्राम सभा में विकास, खास स्वास्थ्य और अन्य कई समस्याएं सामने आई, जिसमें खंड विकास अधिकारी द्वारा सभी समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसका निवारण करने की जिम्मेदारी ली। वहीं विधायक विनय वर्मा ने अपने विधानसभा में जनता की समस्या को सुनकर नाराजगी जाहिर करते हुए खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि जिन विभागों के कर्मचारी उपस्थित नहीं है अगली बार उपस्थित रहे, साथ ही जनता की समस्या के साथ कोई लापरवाही नहीं हो, समस्या का समाधान जल्द ही हो, साथ ही जिस ग्रामीण की जो भी समस्या है उसका नाम और संपर्क नंबर सहित मुझे भेजे, मैं खुद पता करूंगा कि समस्या का समाधान हुआ कि नहीं। इस मौके पर विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार मैं अपनी विधानसभा में जनता की समस्या के प्रति बहुत ही सक्रिय रहता हूँ, जनता की समस्या के निवारण के लिए जिला और प्रदेश स्तर से समाधान करता रहता हूं। आज चौपाल में जो भी समस्या सामने आई उसका निराकरण करने के लिए खंड विकास अधिकारी के साथ दो दिन बाद एक कैंप का आयोजन कर सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी को बुलाकर समस्या खत्म किया जाएगा। अभी माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में दो ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। ज़्यादातर समस्याएं राशन कार्ड को लेके, आवास को लेके, शौचालय को लेके कुछ जगह नालियों की समस्याएं आई हुई हैं, और जो भी समस्याएं आई हैं उसका हम लोग समाधान कराएंगे। ग्राम पंचायत बेलवा में माननीय विधायक जी के निर्देश में सोमवार को हम लोग एक कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी विभाग के लोग यहाँ उपस्थित होंगे। वो कैंप 10 बजे से शुरू होगा, शाम को 5 बजे तक चलेगा। जिनकी भी जो समस्याएं हैं वहाँ त्वरित उसका निस्तारण होगा, क्योंकि अपना लैपटॉप लेके सभी अधिकारियों को निर्देश कर दिया गया है तो लेके आएंगे और यहीं पे वो कार्रवाई होनी है ताकि उस समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। सर, विकासखंड नौगढ़ के अंतर्गत जो भी ग्राम सभाएं हैं सर, जी, उनमें बहुत सारी कमियां देखी जाती हैं। जी जी, कुछ ना कुछ तो मिलती है सर। जी जी, उनको लेकर के सर आपकी क्या तैयारियाँ हैं कमियों को दूर करने? और अभी देखिए मैं उसकी समीक्षा कर रहा हूँ और समस्याएँ हैं, जैसे कहीं नाली की समस्या है, कहीं राशन की समस्या है, कहीं पंचायत भवन की एक दो समस्याएं हैं कि पंचायत भवन संचालित नहीं है, पर हमारा प्रयास है कि 15 नवंबर तक हर हमारे पंचायत भवन बन जाए और बन ही नहीं जाए। अपने यहाँ हमने उसके लिए तैयारी भी कर रखी है, इंस्ट्रूमेंट लगा रखा हमने। अब हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे अपने ऑफिस से बैठ के ही, और सभी पंचायतों में हम देख सकते हैं कि पंचायत भवन में कौन पंचायत सहायक बैठ रहा है, रोस्टर के अनुसार वहाँ सचिव बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ये सबकी हम लोगों ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। जो 15 नवंबर मैक्सिमम नवंबर लास्ट तक जो है इसको हम ऑनलाइन कर देंगे। सर, सभा में आपकी बैठक हुई थी, वहाँ पंचायत भवन पूर्ण से तैयार नहीं हुआ, तो ऐसे कैसे मंशा सर? नहीं, इसके लिए भी तैयारी हम लोग शुरू की है, समीक्षा इसकी हो रही है। वहाँ कुछ कमियाँ हैं, बिल्डिंग तो बन गई है लेकिन राज्य वित्त में पैसा थोड़ा कम होने के कारण जो है राज्य वित्त की जो धनराशि है वो उस पर खर्च नहीं हो सकती। मनरेगा से बिल्डिंग बनाने का हमने बना दिया, लेकिन जो इलेक्ट्रिक का काम है, दरवाजे का काम है, वह राज्य वित्त से ही 15 वित्त से होना है, जिसकी धनराशि अभी नहीं आ पाई है, क्योंकि गांव छोटा है और हमें प्रयास कर रहे हैं कि उसको उस आईडी को हम मनरेगा में जनरेट एडिट करके डाल के जिलाधिकारी महोदय से परमिशन लेके उसको हम पूरा करा दें। मुझे लगता है इस समय जिले में सब ऊर्जावान अधिकारी आ चुके हैं, अब धीरे धीरे ये भी समस्या आपको निदान मिलेगा। पहले जो सुस्ती में अधिकारी रहते थे, अब वो धीरे धीरे आने वाले टाइम में आप देखिए जो मैं दिखता आ रहा हूँ, अभी मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, जिलाधिकारी भी ऊर्जावान है, तमाम कप्तान भी ऊर्जावान है, तो मैं चाहूँगा वो लोग इस सब चीज़ को ध्यान रखते हुए हर जगह अधिकारी ऊर्जावान बैठाएंगे, जो हमारी गरीब माँ बहनों का सबका जल्दी से जल्दी निपटारा होता रहे काम, और उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आएगी तो मैं भी स्वयं खड़ा हूँ, तमाम फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के भी अपने लोगों की शिकायत कहीं पर भी लेके जा सकता हूँ। जन समस्याओं को लेकर के सर कर्मचारियों के लिए क्या दिशा निर्देश आपके लिए? मेरा तो यही सबसे निवेदन है कर्मचारी को, मैं यही कहता हूँ भाई, मैं उनका सम्मान जब करूँगा जब मेरे क्षेत्र की जनता उनसे खुश रहेगी, वो खुश रहेगी तो उनका सम्मान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अपने कर्मचारी से यही चाहिए, अपने क्षेत्र की जनता का जैसे आए उनको सम्मान दें, उनका काम करें, यही हम लोगों के लिए खुशी है। ग्राम पंचायतों में अक्सर देखा जा रहा है सर, 6 साल सरकार के बीच हो चुके हैं लेकिन पंचायत भवन अभी भी संचालित नहीं हो पा रहे हैं।
देखिए पिछले 5 साल में क्या हुआ है ये मैं नहीं बता सकता, मैं 1.5 साल हुए हैं मुझे विधायक बने हुए। आप 1.5 साल में मुझसे आप जो भी चीज़ पूछेंगे मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। 1.5 साल के अंदर तमाम रोड मैंने बनवाया, तमाम स्कूलों का उद्घाटन करा, मतलब जो भी चीज़ मैं ये भी कहता हूँ जो मेरे कार्यकाल में काम होगा वो आप वो मानिए, जो मेरे जिसका उद्घाटन और ये मैं उद्घाटन करूंगा उस चीज़ को मानिए, मतलब मेरे मुंह से बोलने पे और मेरा मैं किसी अधिकारी पे नहीं। मैंने सारे अधिकारी को ये निर्देश कर रहे हैं कोई कार्यक्रम करवाते हैं तो क्षेत्र की जनता को पता रहना चाहिए भाई हम नीम कब रखवा रहे हैं, उसका उद्घाटन कब करवा रहे हैं, उसका शिलान्यास कब कर रहे हैं, ये सब चीज़ लोगों के बीच में जाना चाहिए। सरकार इतना पैसा देती है, इतना सारा चीज़ देती है, उसके बाद हम लोग जो लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का। सर आज विकासखंड नौगढ़ के अंतर्गत 2 ब्लॉकों में आपका जो है चौपाल, 2 गांव में चौपाल रहा, जिसमें देखा गया विद्यालय रंग रंगन नहीं है, उदासीन है, उपेक्षा का शिकार है, सर इस पर चौपाल। देखिए ये मैं अभी एक में मुझे इसको थोड़ा सा संज्ञान में और भी लेना होगा, ये BSA से बात करूँगा मैं, BSA को इस चीज़ को गंभीरता से खुद भी चल के देखना चाहिए, कुर्सी पर बैठ के BSA साहब ना देखें। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं जिलाधिकारी स्वयं अपनी कुर्सी छोड़ के तमाम लगे भाग रहे हैं, इस तरीके से जितने भी ये नीचे के अधिकारी हैं वो BSA हों वो कोई SDM हो सब अपनी कुर्सी छोड़ के तत्काल क्षेत्र में इसी तरीके से जाएं और काम करें, क्षेत्र की जनता के बीच में रहें। BDO स्वयं अपने चेयर पे ना बैठ के और लोगों के बीच में जाएं। हमारे यहाँ कितने स्कूल के लिस्ट हैं वो लिस्ट निकलवाएं, किस पे डेंटिंग पेंटिंग हुई है नहीं हुई है, कितने सालों से नहीं हुई है वो अपने विधायक को अवगत करवाएं। जब करवाएंगे तो जो उनके हक में वो कर सकते हैं तो करें, नहीं कर पाए तो हमें बताएं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी क्या क्या डिपार्टमेंट से हम लोग प्रदेश सरकार से जब भी तो ला पाएंगे। एक एक व्यक्ति को अपने हमें ये निवेदन है, मैं सबसे करूँगा आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से हर अपना अधिकारी स्वयं हमें बताए यहाँ पर ये कमी है, जब बताएगा तो हम लोग उसको दूर करने का तत्काल प्रयास करेंगे। देखा जाता है सोलहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी प्राइमरी पाठशाला चल रहे हैं उसमें जो चकाचौंध है उसी पे केवल लोगों की नजर जा रही है, जो अपेक्षा के शिकार उपेक्षित और होते जा रहे हैं। देखिए आप मीडिया, आप इतने अच्छी बात आपने पूछी है, सिर्फ मैं आपसे ये कहूँगा ऐसी लिस्ट आपके पास भी हो तो मुझे दीजिए, मैं भी उस पर ध्यान दे के तत्काल करवाऊंगा। मेरे 1.5 साल कार्यकाल में मैं हर चीज़ पर ऐसी ऐसी छोटी चीज़ है, मैं हर प्राइमरी स्कूल हो वो प्राइवेट स्कूल हो किसी व्यक्ति का हो मैं सब पे ध्यान देना चाहता हूँ। देखिए मेरे यहाँ पर प्राइमरी की भी वही है, प्राइवेट में जिसका है हम लोग सब जगह प्राइम, मैं इनसे प्राइमरी वालों को भी कहता हूँ मेरे निधि से मुझे आप बताइए क्या करवाना है, जो मेरे हाथ में मैं 24 घंटे अपने क्षेत्र में मेरा विकास कार्य, मेरा पेमेंट, मेरा निधि सब ओपन रहता है, जिसको जो चाहिए मुझे आके बताएगा, जब नहीं बताओगे तो मैं कैसे करूँगा। एक एक गाँव में 4-4 स्कूल, 3-3 स्कूल है, मुझे जिस चीज़ की समस्या जो मेरे सामने लाई जाती है मैं तत्काल उसका निदान